हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुक्ला और लव आराध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो हाजिर हूँ मैं लेके एक और वर्कशीट्स का वीडियो। आज हम शेयर करेंगे 15 मैथ के वर्कशीट। ये कुछ बेसिक वर्कशीट्स है। बेसिक का मतलब मेरा है कि ये LKG क्लास के लिए सूटेबल होगा, और तो आप अपने 3 to 5 ईयर्स के एज के वाले बच्चों को ज़रूर ये करवा सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मेनली प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और होम स्कूलिंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स डू सब्सक्राइब। ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। जो सबसे पहला आता है काउंट एंड राइट का एक्टिविटी। लाइक यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ किया है बिकॉज आई एम रियली बैड एट ड्राइंग। सो इसलिए मैंने यहाँ पे शेप्स के साथ ही ये सारे एक्टिविटीज़ किया है। तो इट इज़ काउंट एंड राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ सर्कल्स बनाया है, दे हैव टू काउंट द सर्कल्स एंड यहाँ पे उनको लिखना है कि कितने हैं। सेम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ दिया है, आप चाहो तो फुल पेज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे सकते हो। नाउ द सेकेंड वन इज टिक द करेक्ट बॉक्स। यहाँ पे मैंने कुछ ट्राइंगल्स दिया है, दे हैव टू काउंट एंड यहाँ पे जो भी सही होगा उसको टिक करना है। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सो दे हैव टू टिक द 7 वाला बॉक्स। सो अगेन ये सारा चीज उसमें ही आएगा। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक्टिविटी में। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने नंबर्स नेम दिया है बट इनको फिल इन द ब्लैंक्स के स्टाइल में दिया हुआ है। लाइक दिस इज 6, सो मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स रखे हैं। सो 6 के स्पेलिंग में यहाँ पे क्या आएगा ये उनको लिखना है। देन इट्स 8 में लाइक ई, देन मैंने आई दिया हुआ है, दे हैव टू राइट द ई एंड यहाँ पे जो भी आएगा उनको वैसे इस तरीके से लिखना है। इससे क्या होगा, अगर आपने नया नया सिखा रहे हो अपने बच्चों को नंबर नेम्स, तो एक तो उनकी उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपका बच्चा सीख चुका है तो उनको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ये वाला वर्कशीट बहुत काम करेगा आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं इट इज कलर द सेम नंबर ऑफ बॉल टू मैच द नंबर। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने 8 दिया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे बॉल्स दिया हुआ है, दे हैव टू कलर 8 बॉल्स। लाइक यहाँ पे क्योंकि 8 दिया है तो दे हैव टू कलर 8 बॉल्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बॉल को उनको कलर करना है। ये वाले वर्कशीट से क्या होता है ना, उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी इम्प्रूव होता है और उनका काउंटिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। एंड क्योंकि हमने इसको कलर का ऑप्शन दिया है तो वो एंजॉय भी करेंगे क्योंकि दे लव कलरिंग। ओके नाउ इट इज़ कनेक्ट द नंबर्स टू रीच होम। सो यहाँ पे एक कैट और यहाँ पे एक होम ड्रॉ किया है मैंने। सो यहाँ पे 1 to 20 तक का नंबर है जिसको कनेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे आना है एंड अदर्स मैंने बहुत सारे नंबर्स दिया हुआ है। दे हैव टू फाइंड आउट द पाथ कि जो पाथ को फॉलो करके वो यहाँ से यहाँ इस यहाँ पे वो कनेक्ट कर सकता है। दिस इज़ अ मेज एक्टिविटी। ये है बहुत अच्छा होता है बच्चों के लॉजिकल थिंकिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए एंड इसमें क्या होता है 1 to 20 तक का काउंटिंग भी उनका हो जाता है, जो कि मैक्सिमम स्कूल में LKG में पढ़ाया जाता है 1 से 20 तक। सो या दिस इज़ अनदर गुड एक्टिविटी टू डू। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स बिफोर वाला एक्टिविटी। सो आज के वर्कशीट में ना मैंने ध्यान रखा है कि मैं हर नंबर जो यूज़ करूँ वो 1 से 20 तक ही करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल LKG में 1 से 20 तक ही पढ़ाते हैं। सो इसलिए मैंने बोला कि ये LKG के लिए सूटेबल है। सो नाउ व्हाट कम्स बिफोर में भी मैंने यहाँ पे 20 तक ही रखा है। लाइक बच्चों को क्या करना है, काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सिखाया है कैसे बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर सिखाना है, तो प्लीज़ डू चेकआउट द वीडियो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेकआउट, आपको पता चल जाएगा बिफोर नंबर किस तरीके से बच्चों को ईजिली सिखाना होता है। नेक्स्ट इट इज कलर एज अकॉर्डिंग। ये एक कोडिंग का एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया है और यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे नंबरिंग दिया हुआ है और उन्हीं के नंबर का जो नंबर के अकॉर्डिंग कुछ कलर कोडिंग दिया हुआ है। लाइक 1 में है येलो, सो जहाँ पे भी 1 मिलेगा उनको येलो करना है।
एंड टू पे ब्राउन है। सो इससे क्या होता है ना, बच्चे का कलर रिकॉग्नाइजेशन भी होता है एंड उनका जो कोडिंग में जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है। उनका ब्रेन बहुत अच्छे से इस वाले वर्कशीट में काम करता है और वो एंजॉय भी करते हैं। नाउ दिस इज अ सॉर्टिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने कुछ पैटर्न्स कुछ शेप्स ड्रॉ किया है लाइक स्टार, सर्कल और ट्राइंगल, बट मैंने उनको काउंटिंग के लिए ओनली सर्कल और ट्राइंगल दिया है। इससे क्या होगा, ये मेज में से बच्चों को बस शॉर्ट आउट करना है कि सर्कल्स कितने हैं। तो आगे चल के जब बच्चे कोई भी मैथ के एक्टिविटीज या वर्कशीट्स करेंगे ना, शॉर्टिंग की एक्टिविटी उनको बहुत काम आने वाली है, बिकॉज शॉर्टिंग काउंटिंग यही चीज़ है जो कि मैथ बेस्ड है जिसमें। तो या दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। नाउ यहाँ पे मैंने अगेन दिया है व्हाट कम्स बिटवीन वाला एक्टिविटी। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ कैटरपिलर्स ड्रॉ किया है और एक नंबर फर्स्ट का एक नंबर लास्ट का लिख दिया है, बीच में क्या आएगा बच्चों को वो लिखना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिटवीन नंबर वाला वर्कशीट, सो मेक श्योर कि आप ओनली एक ही नंबर दें, लाइक 4 है तो आप यहाँ पे 5 है होगा तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। सो यहाँ पे एक ही डिजिट उनको लिखना है। जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे बहुत ज़्यादा तब जाके आप 3-4 गैप्स छोड़ सकते हो, लेकिन फर्स्टली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही नंबर से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है मैच द नंबर विद देयर नेम्स। सो यहाँ पे बीच में मैंने 11 टू 20 तक नंबर लिखा हुआ है और उनके जो नेम्स है, उनके जो स्पेलिंग्स है वो मैंने दो साइड में लिख दिया है। दे हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा स्पेलिंग कौन से नंबर का है एंड दे हैव टू मैच। इस तरीके से देने का मतलब यही है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैंने इसको बनाया है। अगर एक ही साइड में आप दोगे ना तो इट्स क्वाइट इजी फॉर देम टू फाइंड आउट, तो इसलिए मैंने दो साइड में दिया है। नेक्स्ट इज अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। सो यहाँ पे मैंने 1 से 20 तक नंबर्स को रैंडमली लिखा है हर एक रो में। बच्चों को क्या करना है, जो भी नंबर पहले आता है उस के हिसाब से उनको लिखना है, लाइक 5, 8, 9, 7, 6 यहाँ पे दिया है मैंने। सो पहले क्या आता है, 5 आता है, फिर उसके बाद 6, then 7, then 8, then 9, इस तरीके से उनको लिखना है। ये एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है जब बच्चों को पता चलता है कि कौन से ऑर्डर में नंबर्स आ रहे हैं और उनको नंबर लाइंस बहुत अच्छे से याद रहना शुरू हो जाता है। ये वाले वर्कशीट्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बाद में जाके उनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ दिस इज विच वन इज स्मॉलर। तो यहाँ पे मैंने जैसे दो दो नंबर्स के ग्रुप दिया हुआ है, बच्चों को लिखना है कि कौन सा स्मॉल नंबर है। अगेन अगर आपने स्मॉल नंबर बिग नंबर वाला वर्कशीट मैंने नहीं देखा है, लाइक ग्रेटर देन लेस देन वाला, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स बट इन बैकवर्ड ऑर्डर। सो मैंने यहाँ पे 20 से 1 तक का बैकवर्ड नंबर दिया हुआ है, बीच में से कुछ नंबर्स मैंने नहीं दिया है आपको। बच्चों को जस्ट बैकवर्ड काउंटिंग करके यहाँ पे लिखना है, लाइक 20, 19, 18, 17 इस तरीके से। मैंने 20 से 1 तक ही दिया हुआ है, आप चाहो तो 10 से 0 तक या ऐसे भी दे सकते हो। अगर स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले तो आप 5 से 1 तक दीजिए, फिर अगेन 10 to 1 इस तरीके से 5-5 करके आप करिए। नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का साइन वाला वर्कशीट। तो यहाँ पे जैसे कुछ मैंने नंबर्स दिया हुआ है, दे हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा साइन इसके बीच में आएगा। ये वाला वर्कशीट करने से पहले ये इसको सिखाना कैसे, उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज गो एंड चेक एंड देन यू कम टू दिस वर्कशीट। नेक्स्ट है ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ बॉल्स टू मैच द नंबर। सो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो वर्कशीट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि बच्चे ने बॉल्स को कलर करना है, उसी का एक वेरिएंट रूप है ये वाला। जैसे वहाँ पे मैंने बॉल्स को दे दिया था, दे हैव टू ओनली कलर, बट यहाँ पे उनको याद रखना है कि कितने बॉल्स ड्रॉ करने हैं। सो आप उनको कैंडल्स, फ्लावर्स, ट्रीज, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए दे सकते हो, बट मैंने ओनली बॉल ड्रॉ करने को दिया है। लाइक 7 है तो 7 बॉल्स करने हैं, 6 है तो 6 बॉल, 8 है तो 8 बॉल्स, इस तरीके से उनको करना है। सो या आज का वर्कशीट बस इतना ही है। मेक श्योर कि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर रहे हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय गाइज़।